तो सब चीज़ें रेडी थी, जिस दिन आए उसी दिन से काम चालू हुआ। इंजीनियरों की मेरे ख्याल से कम नहीं तो 20 से 25 वर्कर्स की टीम लगी थी। इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन करना, पावर लाइन डालना, पूरा प्लम्बिंग की फिटिंग करना, इनका सारा सामान उतारना, उनके लिए 2-3 क्रेन, 4 लिफ्टर्स लगाए गए। तो ये सब चीज़ें करके जब व्यवस्था हुई, फिर उसके बाद अब इस टाइम पर करीबन 50 घंटे हुए हैं कार्य प्रारंभ किए हुए। ये हमारे कमिश्नर और कलेक्टर साहब के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया हैगा, जो लगातार हमारी जो एजेंसी है उनसे टच में रहे थे और आज हम लोग इसमें आज सक्सेस हुए हैं। और प्रतिदिन करीबन हम लोग 100 जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हो गए हैं। ये 100 सिलेंडर आपके लिए किस तरीके का काम करेंगे, कितनी ज़रूरत थी, कितना आपको फ़ायदा होगा? 100 सिलेंडर की आवश्यकता हमारी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसकी प्रतिदिन आवश्यकता रहती है, तो ये इसकी पूर्ति से हो जाएगी। बाकी हमारा LMO टैंक है जिससे हम लोग वहाँ पर GMH और SGMH को सप्लाई करते हैं, तो अभी LMO का लोड हमारा इस सुपर स्पेशलिटी में भी रहता था, तो ये लोड अब कम हो जाएगा और आगे जब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो हम स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे हमारे अपने सिलेंडर बनाने के। अभी हम लोग मार्केट से सिलेंडर खरीदते हैं तो हमारे अपने ही सिलेंडर स्वयं तैयार कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के सुपर अस्पताल में। यहाँ पर 50 घंटे की मेहनत के बाद आज की तारीख की सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन यहाँ लिक्विड फॉर्म में तैयार होगी और उसके बाद सिलेंडर के माध्यम से यहाँ पर जाएगी जो भी मरीजों को ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर अवतार सिंह जी मौजूद हैं जो इस पूरी उसको देख रहे हैं, जिनकी अथक मेहनत के बाद यहाँ पर यह प्लांट तैयार हुआ। साथ ही यहाँ के इंजीनियर भी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे समझेंगे ऑक्सीजन किस तरीके से ये काम करता है। ये बताइए, आपने 50 घंटे में क्या तैयारियाँ की, किस तरीके की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? जब इस प्लांट को लगाने के लिए डिसीजन हुआ, मीटिंग चल रही थी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे स्थानीय विधायक राजी, हमारे कलेक्टर साहब अजय कुमार साहब, हमारे सब लोग उपस्थित थे, तो उसकी चर्चा यही चल रही थी कि ऑक्सीजन की डिमांड को कैसे पूरा करें। तो उस टाइम पर ही हमको लगा कि यहाँ पे कंसेंट्रेटर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ जो लिक्विड आ रही है वो कई बार कमी रह जाती है, तो हमारे पास बैकअप अपना भी रहता है। तो उस टाइम पर सभी लोगों को मतलब ये प्रपोजल दिया कि 100 सिलेंडर का प्लांट लगवा देते हैं। तो उस टाइम पर हमारे कमिश्नर साहब, हमसे यही सब बोली, तो कमिश्नर साहब और विधायक और कलेक्टर साहब ने सबने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसी समय इसका शॉर्ट टेंडर निकालने की 2-3 दिन का टेंडर शॉर्ट टेंडर निकाला गया। उस टेंडर के बाद प्रक्रिया पूरी हुई, कॉन्टैक्ट किया गया, मैंने बोला कि मैं तुरंत सप्लाई करूँगा, ऐसे ही इसको ऑर्डर किया। अगले दिन सामान लेके आ गए और हमारे पास सोमवार को सुबह सामान लेके आए। तो जब इनने पहले से हमको बता दिया था कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, इन्हें बोला कि क्रेन चाहिए सामान उतारने के लिए, के घर साहब पूरे प्रयास लगी रही, कुछ बैठ के उन्हें क्रेन के साथ सामान करवाया, उनकी टीम लगी रही, इलेक्ट्रिकल में बहुत सवारी की उनकी टीम लगी रही, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसको कैसे भी जितनी जल्दी इंस्टॉलेशन हो सके उसको कराया जाए। इसकी क्या लागत है, कितनी लागत में आपने इसको तैयार किया? ये इसकी लागत तो लगभग 89 लाख रुपये है, जो कि जन भागीदारी से पेमेंट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से कोई पैसा इंस्टॉल नहीं है, ये कलेक्टर साहब ने पूरी जन भागीदारी से बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेट किया है, हमने पेमेंट किया है, उसको भी लगाया जा रहा है। और इससे कम से कम 100 सिलेंडर प्रतिदिन की उत्पादन होगा, जिससे कि हम जो कोविड में हमारी 13-14 सिलेंडर प्रतिदिन की खपत है, तो 100 सिलेंडर का भी ध्यान रखना होगा। 100 सिलेंडरों की यहाँ से खपत होगी। रीवा के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे ज़रूरी चीज़ की कमी थी, जिसकी भरपाई आज हो गई। मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूँ, ऑक्सीजन बनाने के लिए किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो हवा होती है इसी को छान करके पहले तो इसका जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद हवा को 183 डिग्री टेम्परेचर तक जब नीचे ले जाते हैं तो ऑक्सीजन द्रव फॉर्म में फॉर्मेट हो जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बताऊं, उससे ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी से ही हम प्लांट के अंदर चलेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये किस तरीके से काम करता है। नीरज जी अंदर ले चलिए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से ये प्लांट काम करता है। Thank you.
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।